नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिरोटे। यहाँ पे मैंने एकदम इजी रेसिपी आपको शेयर की है, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक सूजी। यहाँ पे हमें बारीक सूजी ही लेनी है और एकदम छोटे पिंच में आएगा इतना ही हमें इसमें नमक डालना है और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है। हमने जो आटा मिक्स करके रखा है उसमें हमें डालना है मोयन। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है, इसे हम अच्छे से गरम करके लेंगे। ये देखिए धुआं आ रहा है, हमें इतना ही इसको गरम करना है। गरम मोयन को हम इसे आटे में डालेंगे और चम्मच से इसे मिक्स करके लेंगे। अभी हम हाथ से ऐसे मोयन को मिक्स करके लेंगे। सब आटे को मोयन अच्छे से लगना चाहिए, हमें ऐसे मसल मसल के मोयन को लगा के लेना है। मोयन परफेक्ट लगाए कि नहीं कैसे समझेगा, ऐसे मुट्ठी में लेंगे, ऐसा इसका एक बॉल बन रहा है, मतलब मोयन हमारा परफेक्ट लगा है। यहाँ पे हम पानी लेंगे, सादा पानी ही है ये। अगर आपको चाहिए तो इसके जगह पे आप दूध भी डाल सकते हो। अभी इसको हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा बना के लेंगे। आटा इसका हमें एकदम अच्छे से लगाना है, हमें इसको ऐसे ये देखिए अच्छे से मसल मसल के आटे को हमें गूंदना है, क्योंकि इसमें रवा है तो इसके लिए हमें इसको अच्छे से मसल के गूंद के लेंगे। हथेली का जो ये वाला हिस्सा रहता है इससे हम ऐसे मसल मसल के गूंद के लेंगे। यहाँ पे हमें आटे का टेक्सचर कैसा चाहिए, एकदम पतला भी नहीं एकदम हार्ड भी नहीं, उंगली डालते समय थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है इतना ही हमें इसको गूंदना है। आटे को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अभी इसमें जो आपको कलर पसंद है वो हम डालेंगे। यहाँ पे मैंने पिंक कलर लिया है, जेल कलर है ये। आपके पास कोई भी पाउडर कलर रहेगा तो आप वो भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। ये देखिए कलर अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे हमें 10 से 15 मिनट ढक के रखना है। 2 टेबलस्पून हमें लेना है घी और 3 टेबलस्पून हमें लेना है कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो, पर मैदा हमें इधर यूज़ नहीं करना है, मैदे से वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अभी ये मिश्रण को हमें अच्छे से फेंट के लेना है। ये देखिए ये इतना क्रीमी और सॉफ्ट बनेगा। जो पिंक वाला चिरोटे का आटा है उसके मैंने 3 अलग से बॉल्स बना के लिए है। अब इसको हमें जितना पतला हो सके इतना पतला हमें बेलना है, हमें इसको बिल्कुल भी मोटा नहीं रखना है। अगर आपको लग रहा है बेलते वक्त चिपक रहा है तो इस पर हमें डालना है थोड़ा सा मैदा। ये देखिए थोड़ा सा ही मैंने मैदा यूज़ किया है। जो हमारी पहली वाली चपाती बनेगी उतने ही साइज़ के बाकी सब चपातीज बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना पतला हमें इसको बेलना है। बाकी की रोटी भी हम सेम साइज़ की करके लेंगे। ये देखिए मैंने सफ़ेद रंग के हैं उसके 3 गोले बना के लिए हैं और इसके 2 एक मैंने ऑलरेडी आपको बेल के दिखाई है। आपको कितनी लेयरिंग्स करनी है वो हिसाब से आप गोले बनाइए। यहाँ पे आप मैंने जो साठा बनाया था वो हम इस पे लगाएंगे। साठा में इसको अच्छे से लगा के लेना है सब जगह से, तो ये जो आपके लेयर्स होते हैं वो अच्छे से छूटेंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, हमें इस पे कॉर्नफ्लावर डालना है, मैदा हमें यूज़ नहीं करना है। कॉर्नफ्लावर हमें क्यों डालना है, अगर समझो हमने जो साठा बनाया है अगर समझो वो ज़्यादा मेल्ट हो रहा है तो कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो वो उसको होल्ड करने का काम करेगा। 2 टोन में हमें लेयरिंग करना है, तो अभी पिंक वाला जो है वो मैं इसके ऊपर डालूंगी। ये देखिए अभी इसे भी हम ऐसे सेम साठा लगा के लेंगे। हमें सब में सेम प्रोसेस करना है। अगर आप देखोगे तो मैंने ऊपर वाले साइड में साठा नहीं लगा के लिया है। सभी को रोटी को हमें ऐसे देखिए साथ में लेना है, ये देखिए, और थोड़ा हमें पीछे खींचना है और ऐसे करके हमें एकदम टाइट रोल करके लेना है। ये देखिए एकदम टाइट रोल चाहिए,
सब जगह से हमें हाथ ऐसे घुमा के लेना है। आगे से भी हम ऐसे इसको पैक करके लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर ट्रैप ना हो। ये देखिए अभी इसको हम कट करके लेंगे, ज़्यादा पतला भी हमें इसको नहीं कट करके लेना है। ये देखिए कितने अच्छे से लेयर आए हैं। अभी हम यहाँ पे एक लेंगे लोही, इसको मैं इसे प्रेस करेंगे और इसको हम हल्के हाथ से बेल के लेंगे। एकदम थोड़ा सा ही प्रेशर हमें इस पे यूज़ करना है। ये देखिए आपको कितना थिक पसंद है और थिन पसंद है वैसे आप इसको रख सकते हो, पर ये थोड़ी सी थिक रहती है। ये देखिए अब इसको हम फ्राई करके लेंगे। तेल का टेम्परेचर हमें हम जब समोसा तलते हैं वो टाइम रखते हैं वैसा। ये देखिए तेल ज़्यादा भी गर्म नहीं है और हमें इसके ऊपर ऐसे तेल छोड़ते रहना है ताकि लेयर्स है वो अच्छे से छूटे। ये देखिए लेयर्स छूटने के बाद ही हमें दूसरा वाला चिरोटा डालना है। ये देखिए इसके ऊपर ऐसे हम तेल छोड़ते रहेंगे। अगर आप देखोगे लेयर्स अच्छे से छूट गए हैं। ये देखिए इसको हमें, ये थोड़ा नरम रहता है, अच्छे से एक साइड कुक होने के बाद हम इसको पलट के लेंगे। अभी हम दूसरा वाला जो चिरोटा है वो डालेंगे और उसके ऊपर भी सेम ऐसे ही हम तेल छोड़ेंगे। अभी हम चिरोटे को पलट के लेंगे। ये देखिए अगर आप देखोगे चिरोटा जब पकने आता है तो जो बबल्स रहते हैं तेल के वो बहुत कम हो जाते हैं, मतलब आपको समझना है कि हमारे चिरोटे हैं पक गए हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट कुक हो गए हैं। और लेयर्स देखिए, एक कप हमें लेना है शक्कर, गैस हमारा बंद है और वही सेम कप से लेंगे हम एक कप पानी। गैस को चालू करेंगे और स्लो पे हमें पहले शक्कर को अच्छे से मेल्ट करके लेना है। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है, अभी हम गैस को डालेंगे मीडियम पे। हमें यहाँ पे एक तार की चाशनी बनानी है। चाशनी हमारे एक तार की बनी कि नहीं, जो सिरप है ये देखिए हम इसमें डालेंगे और ये नीचे जाके बैठ रहा है, ये मेल्ट नहीं हो रहा है, मतलब हमारी चाशनी बन गई है। अभी चाशनी को मैंने थोड़ा सा गर्म करके लिया है। इसमें हम डालेंगे ये चिरोटा, ये देखिए ऐसे हम इसमें डिप करेंगे। डिपेंड आपको कितना मीठा पसंद है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं रखती हूँ, इसको सिर्फ डिप करके मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए रेडी है। यहाँ पे मैंने ये शक्कर का भूरा लिया है, हम इस पे ये डालेंगे। अगर आपको चाशनी वाला नहीं पसंद है तो आप ये शक्कर का भूरा भी डाल सकते हो। ये जो शक्कर का भूरा आपको दिख रहा है ऊपर ऊपर सफ़ेद सफ़ेद, ये बाद में अच्छे से सेट हो जाता है। ये आपको डिपेंड, आपको कितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से आप ये डालिए। हमारे दो टाइप के चिरोटे बनके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।